आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे एसएस राजामौली के टॉप 12 मूवीज के बारे में, और इतना ही नहीं उन 12 मूवीज में से कौन कौन सा मूवी हिट और कौन कौन सा मूवी फ्लॉप हुआ। नो, फ्लॉप उनका कोई भी मूवी अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि वो एसएस राजामौली है, एसएस राजामौली। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। उनसे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू हिंदी नेपाली रिव्यूज। नंबर वन पे है 2001 में आई स्टूडेंट नंबर वन। ये मूवी एसएस राजामौली के पहले डेब्यू एज अ डायरेक्टेड मूवी था। ये मूवी में लीड रोल में जूनियर एनटीआर थे। तो इस मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 1.80 crore बताया गया है और इस मूवी ने करीब 12.9 crore की कमाई किया है। मतलब ये मूवी उस वक्त का हिट मूवी में से एक था। नंबर दो में है सिमधारी। ये मूवी 2003 का हाईएस्ट सक्सेसफुल मूवी में से एक था और ये मूवी में भी लीड रोल में जूनियर एनटीआर थे, जिसका बजट 8.5 crore था और इस मूवी ने उस वक्त 26 करोड़ की कमाई किया था। नंबर तीन पे है SYEC मूवी जो 2004 में आया था। ये मूवी एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी के लीड रोल में नितिन और जेनेलिया थे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आया था, जिसका नाम बदल के आर पार द जजमेंट डे रखा गया। ये मूवी का बजट करीब 10.2 crore था और ये मूवी ने जमा जमी टोटल 11 crore की कमाई किया था। नंबर फोर पे है प्रभास की छत्रपति मूवी जो 2005 में आया था और ये मूवी एक्शन ड्रामा के ऊपर बेस्ड था और ये मूवी भी हिंदी डब होके आया था, जिसका नाम चेंज करके हुकूमत की जंग रखा गया। इस मूवी का बजट करीब 12.5 crore बताया गया था और इस मूवी ने करीब 21 से लेकर 22 crore तक की भारी कमाई किया था। और नंबर पांच पे है रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी की विक्रमु कुडु मूवी जो 2006 में आया था। इस मूवी का बजट 11 crore बताया गया था और इस मूवी ने उस वक्त 23 crore की भारी कमाई किया था। और ये मूवी बॉलीवुड में रीमेक भी बना, जिसका नाम राउडी राठौर था अक्षय कुमार का। किस किस ने आप रॉडी राठौर मूवी देखा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर छह पे है जूनियर एनटीआर और प्रिया मनी की यमा डोंगा मूवी जो 2007 में आया था और ये मूवी फैंटेसी एक्शन जेनर का मूवी था, जिसका बाद में हिंदी डब में भी ये मूवी अवेलेबल किया गया और ये मूवी यमा डोंगा नाम चेंज करके ये मूवी का नाम लोक परलोक रखा गया। इस मूवी का बजट करीब 16 से लेकर 18 crore था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 29 crore की भारी कमाई किया था। नंबर सात पे है रामचरण और काजल अग्रवाल की मगधीरा मूवी जो 2009 में आया था। ये मूवी का नाम कौन नहीं जानता। इसी मूवी से एसएस राजामौली को एक नई पहचान मिला। इस मूवी का बजट करीब 35 से लेकर 44 crore था और इस मूवी ने उस वक्त 150 crore की भारी कमाई किया था। मगधीरा मूवी पहला ऐसा मूवी था जिसने तेलुगु इंडस्ट्री में 150 crore की कमाई किया था, जिसने एक हिस्ट्री बना दिया। नंबर आठ पे है एसएस राजामौली की मर्यादा रामानंद जो 2010 में आया था, जिसमें सुनील एंड सलोनी अश्वनी लीड रोल में थे, जिसका अलग अलग भाषाओं में इस मूवी का रीमेक बना। और ये मूवी बॉलीवुड में रीमेक भी बनाया गया, जिसका नाम सनम सरदार था, जिसने रीमेक होते हुए भी 150 crore की भारी भरकम कमाई किया था। और इस मूवी की बजट की बात करें हम तो 12 से 14 crore इस मूवी का बजट था और ये मूवी भी उस वक्त 40 crore की भारी भरकम कमाई किया था। नंबर नौ पे है 2012 में आई ईगा मूवी। ये मूवी को कौन नहीं जानता। इस मूवी का हिंदी डब में नाम बदलकर मक्खी रखा गया। इस मूवी के लीड रोल में किच्चा सुदीप नानी और समांता राउत थे। इस मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 30 से लेकर 40 crore था, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 125 से लेकर 130 करोड़ की भारी कमाई किया था। और ये मूवी एसएस राजामौली की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर मूवी में से एक था, जिसमें पहला मगधीरा और दूसरा मक्खी मूवी था जो 100 करोड़ की आंकड़े को छू लिया था। एंड फाइनली नंबर 10 पे है बाहुबली द बिगनिंग जो 2015 में आया था। और इस मूवी को कौन नहीं जानता, जिसका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और ये नेशनल क्वेश्चन भी बन गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे इस मूवी का एक्टर कौन था ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। और इस मूवी का मैं बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट 180 crore था, जिसने 581 से लेकर 650 crore तक की कमाई किया था उस वक्त। नंबर 11 पे है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ये मूवी 2017 में आया, ठीक बाहुबली द बिगनिंग के 2 साल बाद, जिसमें हमें जानने को मिला कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। इस मूवी की मैं बजट की बात करूं तो इस मूवी का बजट 250 crore था और ये मूवी ने करीब 1810 crore का भारी भरकम कमाई किया था, जो कि इंडियन सिनेमा का एक इतिहास बन गया। एंड फाइनली नंबर 12 पे है एसएस राजामौली का लेटेस्ट मूवी RRR, रुपया रुपया रुपया। मैं सही बोल रहा हूँ ना कि RRR का मतलब रुपया 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 होता है या कुछ और, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लीड रोल में कौन था कौन था कौन था, कमेंट सेक्शन में आप बताओ।
एंड फाइनली बजट की बात करूं तो इस मूवी का बजट 550 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 1200 करोड़ की भारी भरकम कमाई किया था। तो ये रही एसएस राजामौली की लाइफ टाइम की टॉप 12 मूवी। ये एक ऐसे लेजेंडरी डायरेक्टर है जिनका अभी तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं गया है। एसएस राजामौली की टॉप 12 मूवी में से आपका फेवरेट कौन सा मूवी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।